आप देख रहे हैं जुमायश टीवी और मैं हूं दरमान इलियास। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ऐसे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल या पीसी पे अपना खुद का क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे इमेज फॉर्मेट में कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अपना डेस्कटॉप खोल लें। जब अपना डेस्कटॉप खोल लें तो फिर अपना ब्राउज़र खोल लें। जब अपना ब्राउज़र खोल लें तो फिर आपने इसमें इतने फ्री बार कोड जनरेटर, तो आप देख सकते हैं ये जो है मैं लगा चुका हूँ। आपने जो है ये वाली साइड लगानी है, ऑनलाइन बार कोड जनरेटर .net। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक कर दें तो फिर आपके पास QR कोड का आ रहा होगा। आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, हाइपरलिंक लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, मी कार्ड लिख सकते हैं, वी कार्ड लिख सकते हैं और जो है वाईफाई सेटिंग्स लिख सकते हैं। तो फिर मैं इसमें अपने ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो है मैं इसका कलर चेंज कर चुका हूँ और जो है अब इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो फिर जो है QR कोड का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और जो है जब मैं कट डाउन पे क्लिक कर देता हूँ तो फिर क्रिएट पे वापस से क्लिक करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि जो है मेरा QR कोड का कलर ब्लू से ब्लैक आ चुका है। तो आप इस तरह से अपने QR कोड का कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है योर बार कोड इज रेडी डाउनलोड नाउ। तो फिर इसमें फाइल्स की ऑप्शन आए हैं जिससे आपने सेव करना है। मैं इसमें PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो है इमेजेस में सेव कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है सेव हो चुका है। तो ये अच्छी वीडियो थी। अगर आप कोई वीडियो चाहिए से लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल अभिमान टीवी को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।